एक्सपेंड भी अधिक करेगा। ऑल राइट बलवंत जैन, आपसे भी पूछते हैं कि जो रेट कट का फायदा आपको लगता है कि आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित होने जा रहा है, क्योंकि बैंक अब जब पास ऑन करेंगे आगे तो उनकी जो ईएमआईज हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा राहत महसूस करेंगे वो? देखिए स्वाति, ऐसा है कि अभी 1 अप्रैल से जो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जो नए लोन है उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके बेसिस पे लो इसकी जो लोन की प्राइसिंग होगी। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ने जो स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट स्कीम्स है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दिया, इसकी वजह से जो क्राउडिंग आउट होता था ना उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अभी बैंक भी अपनी जो एफडी की रेट है वो कम कर पाएगी, और उसकी वजह से जो बैंक की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और वो दैट विल ट्रांसलेट इनटू रिड्यूस्ड बेस रेट एंड दिस मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। तो कंज्यूमर को फायदा होगा, पर जो नए लोन लेने जाने वाले बोरोअर है उनको तो इमीडिएटली फायदा होगा, क्योंकि जो नया जो लेंडिंग है बैंक का वो मार्जिनल कॉस्ट पे होने वाला, और चूंकि बैंक अभी एफडी की रेट वगैरह रिड्यूस कर पाएगी तो जो नया लोन लेने वाले हैं उनको फायदा निश्चित रूप से होगा। बेस रेट में उतना एकदम से ट्रांसलेट नहीं होगा, जैसे पिछली बार भी आरबीआई ने 1.25 तक की रेट कम की, पर एक्चुअली जो ट्रांसलेट हुआ ट्रांसफर हुआ वो 0.6-0.75% तक ही हुआ है, पर नए लेंडर नए बोरोअर को निश्चित रूप से फायदा होगा। तो नए लेंडर नए बोरोअर को इस रेपो रेट में कटौती का फायदा जरूर होगा।